Good afternoon, dear children. आप सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स हो और आपको लेसन नंबर वन पढ़ाया गया है। आज यहाँ पे लेसन नंबर टू स्टार्ट किया गया है, जिसमें मैंने कोशिश की है आपको चंद जरूरी चीजें बताने की। उससे पहले मैं आपको रिकॉल करूं, आप फूड्स के बारे में, वैरायटीज ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स, हर्बीवेयर, वोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस एनिमल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो। आओ अब हम ये लर्न करने की कोशिश करें कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। तो इसका जो टॉपिक है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। हमारी ये कहानी शुरू हुई थी फूड से, उसके बाद फूड आइटम्स, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स और उन इंग्रेडिएंट्स से हासिल होने वाले न्यूट्रिएंट्स, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। डिफरेंस इनमें यह है कि फैट्स मोर एनर्जी हमारी बॉडी को देते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। यानी वो फूड्स जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। इसके बाद प्रोटीन्स, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए जिनकी जरूरत है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए और हमारी बॉडी में कोई इंजरी या बीमारी की वजह से हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन का एक अहम रोल है। इसलिए वो फूड्स जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। विटामिन्स, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, इसलिए विटामिन्स जो हैं ये प्रोटेक्टिव फूड्स का रोल अदा करते हैं। इसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स बहुत जरूरी हैं हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। एक बात याद रहे कि मिनरल्स हमारी बॉडी में वेरी स्मॉल अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेसेस अमाउंट या वेरी स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स की हमारी बॉडी में जरूरत होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने न्यूट्रिएंट्स और उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या करती हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी गई। इसके बाद यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपके सामने एनर्जी गिविंग फूड्स पेश करने की। आप इन फूड्स को देखकर ये जान सकते हो कि जिसमें आपको पोटैटोज, मेज या दूसरी फूड्स दिखाई दे रही हैं, ये वो फूड्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। इसके अलावा ऑयल, बटर, मीट, कोकोनट एक्स्ट्रा आप देख रहे हो, ये वो फूड्स हैं जिनसे हमें फैट्स मिलते हैं और फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड्स मैंने आपके सामने दिखाने की कोशिश की है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करती हैं, और ये वो फूड्स हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है। और आपने अभी सीखा कि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं और यही वो फूड्स हैं जिनसे प्रोटीन हासिल होती है। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है जिससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है और आपके सामने हैं वो फूड्स। इसके अलावा भी फूड्स हो सकती हैं लेकिन कुछ फूड्स आपके सामने हैं जिनसे प्रोटीन हासिल होती है और जिससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टिव फूड्स बताई गई हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स जो हैं वो फ्रूट्स हैं और ये फ्रूट्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एज ए बॉडीगार्ड की तरह अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। और विटामिन्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें इन ही फूड्स से हासिल होते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं और हमारी बॉडी को किस तरह से जो वेराइटीज ऑफ
फूड्स खाने का बेनिफिट होता है और वैरायटीज ऑफ फूड खाने से उसमें वैरायटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं और जो तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हमारी बॉडी में अलग अलग रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया।